छपरा में बारिश हो जाने के कारण जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। थाना चौक से एसपी आवास से लेकर दरोगा राय चौक तक पूरे जल जमाव हो गया है और आप देख सकते हैं कि यह रोड थाना चौक से हॉस्पिटल चौक दरोगा राय चौक जाने वाली सड़क है। बारिश हो जाने के बाद नगर निगम का पोल खोल कर रखती है। शहर में जब भी बारिश होती है तो इस सड़क पर पानी ही पानी नजर आता है। आपको बता दें कि यहां से महज कुछ ही कदम पर सारण जिला पदाधिकारी का आवास है और नाले का भी निर्माण कुछ ही दिन पहले हुआ है, फिर भी शहर में पूरे जल जमाव ही दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि नगर निगम एवं स्थानीय प्रशासन लोगों को पानी से कब तक निजात दिलाती है। शहर में नाला तो है लेकिन उनकी सफाई नहीं हुई है। बता दें कि जिला अधिकारी एवं एसपी आवास के सामने वाली नाला कई वर्षों से जमा पड़ा हुआ है लेकिन नगर निगम की नींद अभी खुली नहीं है और जब भी बारिश होता है तो नगर निगम के पोल खोल कर रख देती है। आने जाने वाले राहगीरों को भी काफ़ी कठिनाई होती है, फिर भी जिला प्रशासन कभी नाले को लेकर बैठक नहीं की है। अब देखना यह होगा कि कब तक शहर आपसी को इस गंदे नाली के पानी से निजात दिलाती है।